हेलो एवरीवन, फ्रेश टॉक में आपका स्वागत है। मैं शम्स। आज हम जानेंगे जेट एयरवेज के बारे में। अभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है जेट एयरवेज को लेके। अभी फिलहाल हम इस स्टॉक में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके देखेंगे और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करके देखेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और देखेंगे अभी जो फिलहाल इसमें जो सिचुएशन चल रही है उस पर भी एक बार नज़र डालेंगे और देखते हैं कि अभी हमने ऑलरेडी अगर बाय किया है तो अभी हमें इसे होल्ड करना चाहिए या अगर अभी हमने ऑलरेडी सेल बाय किया है तो होल्ड करें या इसको बेच के निकल जाए। तो प्रॉपर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, देन उसके बाद अभी जो सिचुएशन इसकी चल रही है उस पर भी एक नज़र डाल के देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है अभी करेंट सिचुएशन पे। आज जैसे कि मंडे 15th of April 2019 है, सो आज के डेट में इसकी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसका अगर आप वन डे का देखेंगे अभी, तो वन डे में आप देखिए ये कॉन्स्टेंटली एक दिन के चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखें इसको, कॉन्स्टेंटली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, राइट। उसके बाद यहाँ पे हल्का सा एक सपोर्ट लिया, ये है 177 के लेवल पे, 166 के लेवल पे इसने एक सपोर्ट लिया, देन उसके बाद ये थोड़ा बहुत मोमेंटम आई इसके अंदर और उसके बाद फिर ये वापस से करेक्शन आ गया और ये जो एक यहाँ पे एक लेवल है 200 का, जो लेवल है 200 का लेवल पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया, एक बार, दो बार, तीन बार सपोर्ट लिया। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये देखिए जो 204 है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, एक बार एकदम से स्पाइक आया था, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ पे दूसरा और थर्ड यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये तीन सपोर्ट लेवल है इसका 200 के लेवल में, राइट। फिर ये एक बार यहाँ से फिर से एक बार करेक्ट हो गया। तो ये देखिए ये जो रेसिस्टेंस लेवल है 281, ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे भी एक बार था, 280 का लेवल यहाँ पे भी देखिए यहाँ से एक बार करेक्ट हुआ है और वापस से एक बार 281 पे करेक्ट हुआ है। तो इसका अभी अगर मैं टेम्परेरी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करूँ, अभी अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो 200 का जो लेवल है वो अभी के टाइम के लिए 200 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर 200 के लेवल से वो ब्रेक करता है तो बेस्ट है कि आप उससे एग्जिट कर जाएं और 281 का जो लेवल है, 280 का जो लेवल है, यानी 80 पॉइंट का डिफरेंस है, 280 के लेवल को अगर वो ब्रेकआउट करता है तो फिर आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं या फिर 280 के लेवल पे अगर आपको बियरिश कैंडल दिखता है, बियरिश कैंडल जैसे कि इन्वर्टेड हैमर दिखा है या रेड कैंडल दिखता है या फिर आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखता, बियरिश एनगल्फिंग दिखता है, जो बियरिश कैंडल्स होते हैं वो अगर आपको दिखता है तो बेटर है कि आप निकल जाएं या फिर प्राइस पैटर्न अगर दिखता है वहाँ पर आप उसको निकल जाएं। तो फिलहाल अभी जो ये ट्रेड कर रहा है 261 पे ट्रेड कर रहा है, तो 261 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो अभी आपने अगर बाय इसको किया है तो फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको होल्ड कर सकते हैं आप 200 के लेवल तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और अगर आप एक और सपोर्ट लेवल अगर देखें, टेम्प्रेरी सपोर्ट लेवल जो है इसका 242 इसका जो लो है, आप अगर देखेंगे 240 के आसपास का एक इसका लो है, लेकिन 200 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, 200 के आसपास आप इसको देख सकते हैं। अदर इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे अभी इसके अंदर बाइंग सिग्नल है, ब्रेकआउट दे चुका है मूविंग एवरेज के बेसिस पे, तो फिलहाल अभी इसको आप बाइंग के लिए रख सकते हैं। जो मैंने 5 और 21 दिन के मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, जो आइडियली छोटे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप देख रहे हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, तो 2, 5 और 21 का जो मूविंग एवरेज होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर देख रहे हैं, जैसे आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आपको अगर रखना है तो उसके लिए फिर आपको 50 और 200 का मूविंग एवरेज देखना पड़ता है या फिर एक है 13 और 48 का मूविंग एवरेज होता है, वो होता है मिड लेवल के लिए, जो आप 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में भी आप रख सकते हैं, राइट। तो फिलहाल जो मैं देखता हूँ, जनरली मैं छोटे टाइम फ्रेम का देखता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम इसको बाय करते हैं, उसके बाद फिर आगे जब इसमें फर्दर सिग्नल आता है तो फिर हम उसको होल्ड करके रख सकते हैं। अगर लंबे टाइम फ्रेम का अगर मैं इसमें बाइंग सिग्नल देख के रखूँगा तो तब तक मेरा जो छोटा रैली है उसमें मेरा मिस हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल अभी अगर छोटे टाइम फ्रेम का अगर देखें तो इसमें फिलहाल अभी बाइंग बना हुआ है
और एमएसईडी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एमएसईडी का अगर मैं बात करूं यहां पे, तो एमएसईडी के अंदर यहां पे थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है, लेकिन जीरो लाइन से ऊपर चल रहा है, तो फिलहाल अच्छा है। एमएसईडी के अकॉर्डिंग भी इसमें सही है। आरएसआई अभी इसकी चल रही है 54 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और अगर हम वीकली बेसिस पे अगर इसका चार्ट देखते हैं, तो वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी एक कंसोलिडेट फेज में आ चुका है, डाउन ट्रेंड एंड कंसोलिडेट फेज में आ चुका है। तो जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेट फेज में आ जाए, तो उसके बाद दो ही चीज हो सकती है, या तो फिर वो यहां से एकदम से ब्रेक करेगा, या फिर वहां से वो एकदम से राइज करेगा। कंसोलिडेट, जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट फेज में आ जाता है, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से अब गिर नहीं रहा है या बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है, जो भी मोमेंटम होना था वो होके अब रुक गया है, एक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक एक लेवल पे ट्रेड करता है काफी दिनों तक, उसके बाद वहां से फिर एक बड़ी रैली आ सकती है दोनों साइड। तो अब हमें इसमें जो आइडेंटिफाई करना है कि किस साइड रैली आनी है, वो आपको टेक्निकल चार्ट से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी फिलहाल बाइंग सिग्नल जनरेट है, तो फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम के लिए अभी भी इसमें बाइंग सिग्नल है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन को अगर देखते हुए, अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, जैसे कि 1100 जो इसके एम्प्लॉय हैं, जो पायलट हैं, वो अभी स्ट्राइक पे हैं, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उनकी सैलरी मिली नहीं है काफ़ी दिनों की, काफ़ी महीने की सैलरी नहीं मिली है। सो ये पिछले 3 या 4 महीने से काफ़ी इस पर चल रहा है कि अप्रोच कर रहे हैं नरेश गोयल, जो जेट एयरवेज के ओनर हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं कि कोई उनका स्टेक बाय करे, राइट। तो बहुत सारी ऐसी मर्जर होने की पॉसिबिलिटीज हो रही थी, जिसके वजह से इसके अंदर भी काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा था, राइट। तो फिलहाल अभी इसका एक कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। अभी अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो तो एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि अभी जो करंट सिचुएशन हो रहा है, दैट इज वो टेक्निकल से उसको कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताऊं, तो अभी फिलहाल इसकी जो सिचुएशन बता रही है कि अभी आप में लंप सम में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेटर है। आप अगर इसमें बुलिश हैं तो एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। एसआईपी मोड मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप जेट एयरवेज में 1 लाख लगाना चाहते हैं तो अभी फिलहाल 5 या 10 हज़ार से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जब इसके अंदर एक रैली आदि स्टार्ट होती है, देन उसके बाद फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ था कॉन्स्टेंटली डाउन होने के बाद। ये मंथली चार्ट के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, बाइंग जनरेट हुआ, फिर कंसोलिडेट हुआ, अब ये देखिए कंसोलिडेट होके यहीं पे है। तो ये अगर दोबारा कंसोलिडेट होकर अगर यहाँ से एक बार स्पाइक लेता है, तो फिर चांसेस हैं कि यह अच्छी मोमेंटम आ सकती है, राइट। सो टेक्निकल के बेसिस पे इतना ही। अब एक बार इसमें देखते हैं कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक कैसा है। तो जेट एयरवेज अभी देख लेते हैं फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक वैल्यू नेगेटिव है, राइट, और करेंट प्राइस 260 रुपये के आसपास का है इसका। तो प्रॉस तो कुछ भी नहीं है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोअर ग्रोथ 6.05 लास्ट 5 ईयर्स, कंटीजेंट लाइबिलिटीज 6,244 करोड़, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है इसके अंदर। और अगर सेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेल्स के अंदर बहुत अच्छी मोमेंटम नहीं है, स्टेबल है सेल्स की बात की जाए तो। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट सेल्स अगर एनुअलाइज की बात की जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत इसके अंदर मोमेंटम अच्छा चल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ऑल मतलब हमेशा नेगेटिव में ही चल रही थी। 2016-17 से थोड़ा बहुत उन्होंने अर्निंग किया है, फिर उसके बाद नेगेटिव आ गई है। उसके बाद अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट की रही है, 10 साल में पिछले 10 साल की डबल डिजिट है। और कंपाउंड प्रॉफिट तो आप देखिए इसमें नेगेटिव ही है, और रिटर्न ऑन इक्विटी का कोई इसमें रिजल्ट नहीं है। तो फिलहाल है, अगर आप सेफर साइड में चलना चाहते हैं तो बिसाइड्स अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिलहाल अभी मैं इसको बताना चाहूँगा कि अभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, राइट। और अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव में हैं तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा आप इसमें निकालना स्टार्ट कीजिए।
जब इसके अंदर रैली आएगा, जब कभी भी कोई स्टॉक जब नेगेटिव में जा रहा हो तो उस टाइम में वापस उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब स्टॉक रैली कर रहा हो उस टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी मोड पे इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी भी कोई भी स्टॉक पे कभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, कभी भी ना करें। मैं भी अगर मैं अपना पोर्टफोलियो आपको, आपने पिछला वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो मेरा भी जो पोर्टफोलियो है ज़ीरोधा में है या आईसीआईसीआई में है, तो मोस्टली मैं आप देखेंगे उसमें मैं बहुत रेयर स्टॉक्स लेता हूँ, मतलब 30 के आसपास स्टॉक्स होते हैं मेरे पास, डाइवर्सिफाई करता हूँ पहला, और दूसरा उसके बाद मैं बहुत 5 या 6 या 2-2, 3-3, 4-4 करके शेयर्स बाय करता हूँ। जब भी मुझे एक अच्छी मोमेंटम दिखता है थोड़ा बहुत मैं बाय कर लेता हूँ। तो कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आपको बहुत ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत है नहीं। आपको नहीं पता है कि कौन सा न्यूज़ के बेसिस पे आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बाय कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली उतना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, राइट? तो इसके लिए आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। इमोशनली इसमें आप ट्रेड मत कीजिए। जो भी लॉजिक जो आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो स्ट्रैटेजी पे स्टिक रह के इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक बार देखते हैं कि जो लास्ट फ्राइडे है जेट एयरवेज में कितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हुई थी, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये भी आप कभी भी बाय करने से पहले यहाँ भी देख सकते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया पता चल जाएगा कि ये स्टॉक के अंदर बाइंग कितनी ज़्यादा हुई है जिस दिन आप बाय कर रहे हैं उससे पहले। तो 45% इसमें बाइंग हुई है, जबकि अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है कंपनी के बारे में। 1100 एम्प्लॉय जो पायलट हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, फ्लाइट रद्द कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 45% के इसके अंदर डिलीवरी आ रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद इसमें थोड़ा बहुत अभी बुलिश हूँ, तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इसको लमसम में बाय करें। 45% बाइंग हुआ है, इसका मतलब कि जो टोटल 100 शेयर्स अगर बाय या सेल हुए हैं उसमें से 45 बाइंग हुई है। तो 45 एक डिसेंट नंबर है। अगर 50 से ऊपर जाता है तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, या 50, 60, 70, 80 पे जाता है तो बहुत अच्छा मानते हैं उसको, लेकिन 45 भी एक डिसेंट नंबर है। तो उसके बेसिस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप इसको SIP मोड पर बाय कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ना कि आप उसको लंब समय इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, क्योंकि अभी बहुत क्रूशियल टाइमिंग है। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब आपको बहुत अच्छा सिचुएशन मिलेगा, जब रैली ले रही होगी तब आप उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए सिस्टमैटिक तरीके से, राइट? सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।